यूपी के साथ साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है और चुनाव प्रबंधन में कोई कमी न रह जाए इसलिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों और संभाग में डिप्लॉय किया जा रहा है। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने यूपी के 12 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, परिवहन मंत्री दयाशंकर को बालाघाट, मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह, मंत्री अनिल राजभर को सिवनी, मंत्री जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग और विधायक पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता और कार्यकर्ता एमपी में जिला प्रभारियों से चर्चा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को धार देंगे। एमपी में सरकार बनाए रखने के लिए संगठन पर बीजेपी ने खासा जोर दे रखा है। तारीखों से पहले ही चुनावी तैयारियों को बीजेपी ने टॉप गियर पर डाल रखा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 2018 के नतीजों को पलटकर बीजेपी अपने दम पर 2023 में नई कहानी लिख पाएगी।